बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति त्रिवेदी और आज हम बात करेंगे किस्मत के पत्तों के बारे में। और जी हाँ, आज के दिन का स्पेशल उपाय क्या है, क्या कुछ करने से आज के दिन आपको सफलता मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पर पहले जान लेते हैं आज के दिन के किस्मत के पत्ते क्या कह रहे हैं, आपकी राशि के हिसाब से टैरो कार्ड्स क्या लाए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए जान लेते हैं आपकी पहली राशि आज की है मेष राशि वालों। आज के दिन काम के बोझ में बहुत दबेंगे, कहीं ना कहीं मेहनत बहुत करेंगे और जिम्मेदारियां भी आने वाले समय में बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ भी नया करना चाहेंगे तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारियां बेहद बढ़ी हुई रहेंगी। आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, लेकिन अपने आप को ओवरवर्क मत करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम ना करें, नहीं तो आप पे बोझ जैसा बन जाएगा और ये आपके लिए चैलेंजिंग बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली राशि क्या कह रहे हैं टॉरियंस के कार्ड्स। टॉरियंस जीवन का कुछ नया सफर शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो नई जॉब हो, खुद का बिजनेस हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं आप। और ये समय और विशेषकर आज का दिन बहुत अच्छा है एक अच्छी प्लानिंग करने का, और जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है एक नई शुरुआत का। कुछ नया करना चाहें तो बेझिझक होकर करें, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग जुड़ते जाएंगे, आपका कारोबार बढ़ता जाएगा, आपके लिए समय अच्छा है। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया कार्ड आया है। फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, भविष्य से जुड़े हुए कोई अहम निर्णय लेने के लिए समय बहुत ही कारगर रहेगा आपका। कुछ नया करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप फॉरेन ट्रैवल्स प्लान कर रहे हैं, या अपने स्थान से बाहर कोई काम करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के जुड़े हुए मामले आज के दिन आपके लिए कारगर रहेंगे। आपने अभी तक जो प्लानिंग करी थी उसको नेक्स्ट लेवल तक किस प्रकार से लेकर जाना है, उससे जुड़े हुए काम आपके लिए बेहद सफल रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। कर्क राशि वालों के लिए बहुत प्यारा कार्ड आया है। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं, कहीं से कोई मौका मिलेगा जिससे कि फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। खुद का बिजनेस यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बेझिझक आगे बढ़ें, फाइनेंशियली टाइम अच्छा रहेगा और आज का दिन आपका बेहद शानदार रहेगा आर्थिक तौर पर। जो लोग नई रिलेशनशिप चाहते हैं उनके जीवन में भी एक नए साथी की दस्तक नजर आ रही है और रिलेशनशिप भी बड़ी पॉजिटिव सी, बड़ी खूबसूरत सी नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आपका भी कार्ड बहुत अच्छा आया, किस्मत आपका साथ दे रही है, मिलजुल के टोटल सहयोग मिलेगा आपको। अपने करियर से जुड़े हुए तमाम निर्णय, खासकर विदेश से जुड़े हुए या स्थान से बाहर जुड़े हुए, या फ्यूचर में आपको किस प्रकार प्लानिंग करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस प्रकार आगे जाना है, ये सारे तमाम निर्णय आज के दिन आप लेंगे और आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। टोटल मैं कहूँगी सफलता आज के दिन आपके कदम चूमेगी, और जो भी आप करना चाहेंगे सिंह राशि वालों बेझिझक करिए, क्योंकि आपके लिए टाइम बेहद शानदार है और जी हाँ, किस्मत आपका भी साथ दे रही है। कन्या राशि वालों, आज का दिन बहुत खास नहीं नज़र आ रहा है। किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकती है। आपके जो चीज़ें छूट गई हैं उनके प्रति आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, जो चीज़ें आपके पास हैं उस पर फोकस बढ़ाएं। जो हाथ से निकल चुका है, चाहे वो समय हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटी हो, जो हाथ से निकल गया है उस पर यदि आप बहुत ध्यान देंगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट बनी रहेगी। जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, और वही चीज़ें आपके लिए कारगर रहेंगी। तो हो सकता है पास्ट की कुछ बातें आपको मेमोरी में आए, याद आए, और वो आपके लिए चैलेंज के रूप में रहेगी, परेशानियाँ क्रिएट कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के बारे में क्या कह रहे हैं कार्ड्स। तुला राशि वालों, कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आपको मेहनत बहुत करनी है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि दिशा कौन सी अपनानी है। होते होते लास्ट मिनट पे काम अटक जा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने प्रॉमिस किया ऑफर लेटर का तो वो नहीं आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर करी वो नहीं आ रही है, कहीं से पेमेंट आनी है वो नहीं आ रही है, तो ये तमाम तरीके का स्ट्रेस आपको आज के दिन परेशान करेगा। आपको टेंशन से बाहर निकलने के प्रयास करने हैं। कोई ऐसा काम करें जो कि मन को खुशी दे और बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इस समय पर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, किसी भी पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं अभी एडवाइस नहीं करूँगी, थोड़ा सा टाइम लें, उसके बाद ही आप जो है
वर्क करें, किस चीज़ में आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप में से कई लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं इस समय, तो बहुत बढ़िया रहेगा, चीज़ों में गति आएगी, मूवमेंट आएगी। हो सकता है कि जिस ऑफिस से आप काम करते हैं वहाँ से बाहर जाके आप काम करें। किसी बात को लेकर मन में हताशा भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, एकदम टूटेंगे, बिखरेंगे और रीस्टार्ट होगा। तो कोई चीज़ें मन के हिसाब की नहीं भी जा सकती हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो जो चीज़ें मन के विरुद्ध जा रही हैं, कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा वाली सिचुएशन है। तो कई चीज़ें मन के हिसाब की नहीं जाएंगी, जब ये नहीं जाएंगे मन के हिसाब की तो ये और अच्छी रहेंगी, इस चीज़ को समझ लीजिए। साथ ही साथ किसी विवाह में सम्मिलित होने का प्लान बन सकता है, कोई इनविटेशन आ सकता है किसी मैरिज का, जो कि आने वाले 4 महीनों में हो। खुद का मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मकान से जुड़े हुए काम आपके जुड़ेंगे, होते चले जाएंगे, ओवरऑल सफलता आपको मिलेगी कई मामलों में और टोटल आपका दिन अच्छा जाएगा। लेकिन हाँ, एक छोटा झटका रहेगा अगर आप ड्राइव करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, केयरफुली ड्राइव करें, ड्राइविंग में चोट लगने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा है, तो केयरफुल होकर ड्राइव करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि, धनुराशि वालों के लिए। बहुत प्यारा कार्ड आया द मैगस, मूव करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से और खासकर 1 वर्ष पहले से किसी काम को आपने ठान लिया था और ऐसा लग रहा था कि काम नहीं पूरा हो रहा है, ऐसे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए समय बेहद खास रहेगा। आप कुछ नया करना चाहें, मूव करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो भी आपके लिए बेहद शानदार रूप से ये काम पूरे करने के लिए दिन अच्छा जाएगा। आपका मूवमेंट जीवन में बहुत ज़रूरी है और वो नज़र आ रही है। प्लानिंग स्ट्रैटेजी और जितने आपके पहचान के लोग हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे आज के दिन ज़रूर मदद मांग लीजिए। अगर आप झिझक रहे हैं तो भी आगे बढ़कर मदद मांगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद के रूप में आएगा, एक सरप्राइज एलिमेंट आपके जीवन में आएगा जो कि आपके काम को पूरा करेगा। मकर राशि वालों, आज फिर स्ट्रेस नजर आ रहा है, किसी बात को लेकर टेंशन, एंजाइटी, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। थोड़ा अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना इस समय ज़रूरी है, खुद को समझना, जीवन को समझना इस समय महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम तरीके के ख्याल आज के दिन आपको घेर कर रखेंगे। आप खुद को समझें, परखें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। इंट्रोस्पेक्शन इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा होता है खुद के जीवन को समझना और नए सिरे से शुरुआत करना। कुछ समय अकेला बिताना भी अच्छा होता है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मायूस ना हो। अगर मायूसी ज़्यादा छाती है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा छाता है, तो आप वॉक करें, नेचर वॉक करें और मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आप कुंभ राशि वालों का कार्ड तो बहुत अच्छा है, किसी महिला का आपको पूरा सहयोग मिलेगा आज के दिन। ये विशेष तौर पे महिला आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर से जुड़ी हुई महिला हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई महिला हो सकती है, आपके घर में आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी मदर, डॉटर, सिस्टर कोई भी हो सकती है, जिसके कि हाथ में काफ़ी हद तक पावर रहे या चार्ज रहे, ऐसा व्यक्ति आपके लिए आज के दिन बेहद कारगर रहेगा और आपके संबंधों को मजबूत करने में बहुत बढ़िया रहेगा। किसी महिला का निर्णय बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। अगर आपकी एचआर से या फाइनेंस से जुड़ी किसी महिला से मीटिंग है या आप अपने मन में कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो इस समय बेझिझक होकर मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, प्लान करें। कोई मिनिस्टर हो, किसी से भी बात करनी हो, इम्पॉर्टेंट लेडी से बात करेंगे आज के दिन, जो कि आपके लिए बेहद सफल रहेगी। मीटिंग और महिला का सपोर्ट मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वालों कार्ड बहुत प्यारा आया है। अपॉर्चुनिटीज आज के दिन आपके जीवन पे दस्तक दे रही हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बहुत दिनों से किसी मौके की तलाश में चल रहे थे, तो वो मौका भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप में से कई लोगों के लिए ये समय प्रोत्साहन का है, इनकरेजमेंट का है, कुछ नया चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जीवन में बहुत कुछ इस समय आपके मन के हिसाब का चलेगा। तो टोटल मैं कहूँगी आज का दिन आपका बहुत शानदार रहेगा और किस्मत आपका साथ दे रही है। दोस्तों, करना क्या है आज के दिन, लग रहा है गुरुवार का राशिफल है ये, आपको शिवलिंग पर आज के दिन चंदन, गोपी चंदन जो होता है जिसमें थोड़ा सा पीलापन होता है, उसका लेप करना बहुत अच्छा रहेगा। और शिव परिवार पर आप जो है गुड़ चना ज़रूर चढ़ाइएगा, यह आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। हम श्री राम, विष्णु या बृहस्पति को तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन जिनको लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं, वो भी इस उपाय को कर देखें, आपके जीवन में सफलता आएगी। और देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होंगे, महादेव की भी प्रसन्नता आपके जीवन पर बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी के लास्ट तक, पढ़ लेती हूँ आपसे विदा।
मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।